तो स्मृति जो है तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जब ध्यान लगाने बैठो 5-7 मिनट तो अच्छा लग जाएगा, उस समय यदि ना लगे तो अपने आप को स्मरण कराओ कि मुझे तो ध्यान लगाना था, मेरा मन इधर हो गया, परंतु मैं तो अपने आप को ध्यान लगाने के लिए यहां बैठा था, इसलिए अपने मन को वापिस खींच के ध्यान में स्थित कर दो। और उसके बाद चौथा है सतर्कता, जिसको बोला जाता है विजिलेंस। स्मृति तभी काम करेगी यदि आप सतर्क होकर ध्यान लगाएंगे। यदि सतर्क है तो भूलेंगे नहीं, यदि भूलेंगे नहीं तो स्पष्टता बना के रखेंगे, यदि भूलेंगे नहीं, यदि सतर्क हैं और भूलेंगे नहीं स्पष्टता बनाकर रखेंगे तो अपने आप आपकी एकाग्रता बनेगी। और एकाग्रता जब बनेगी, बनते हुए एकाग्रता में आप चलते 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 अवश्य ही एक दिन फूल की भांति खिल जाओगे। तो सतर्क एक व्यक्ति कितनी देर तक सतर्क रह सकता है, सबकी अपनी अपनी एक सीमा है, परंतु 5-10 मिनट के लिए बैठे हो तो सतर्क होकर बैठ सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा अपने आप एक आलस्य जो है आना शुरू हो जाता है। और उसमें दो ही मूल रुकावटें हैं जो ध्यान में होती हैं, 4 स्तंभ हमने आपको बता दिए हैं, स्मृति, स्पष्टता, आसन और सतर्कता। और दो ही मूल रुकावटें होती हैं ध्यान में, पहली व्याकुलता। आप लगाने बैठे हैं, शुरू में तो ठीक है, फिर मन इतना परेशान कर देता है कि घबराहट होनी शुरू हो जाती है, बैठा नहीं जाता, होता है कि चलो कल लगा लूंगा ध्यान, अभी उठता हूँ या शाम को लगा लूंगा, या मन कोई ना कोई आपको बहाना दे देगा कि क्यों मैं ध्यान ना लगाऊं। तो पहली है व्याकुलता, जब व्याकुल हो उस समय ध्यान को लगाना रोक दो, कुछ क्षणों के लिए रुक जाओ, स्थगित कर दो और लंबा श्वास लो, शांत हो, जो भी करना है करो, फिर जब मन शांत हो जाए तो दोबारा ध्यान पे बैठ जाओ। अगर नहीं भी उठे तो अगर वहां बैठे भी हैं तो ध्यान लगाना बंद कर दो, फिर दोबारा ध्यान लगाओ। हम ये चाहते हैं कि 5-5 मिनट का गुणवत्ता वाला ध्यान लगाते हुए, क्वालिटी से भरा ध्यान लगाते हुए आप शुद्ध ध्यान की ओर बढ़े, ना कि जबरदस्ती 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे का ध्यान लगाए जिसमें लग नहीं रहा और अपने आप से संघर्ष हो रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं जप रहा हूं पर मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है। व्याकुलता जब आए तो रुक जाओ कुछ क्षणों के लिए, रेस्टलेसनेस जिसको बोलते हैं, यदि वो आए तो रुक जाओ। और दूसरा सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो अड़चन है, रुकावट है ध्यान में, वो होती है आलस्य, कि आपको निद्रा आनी शुरू हो जाए या आप वासी लेनी शुरू कर दो या कुछ आपको, मतलब आप ध्यान में वो सतर्कता, एकाग्रता, स्पष्टता जब ना बनाकर रख सको तो इसका मतलब आलस्य आ गया है। जिस समय आपको आलस्य आ जाए उस समय आप कल्पना करो एक बहुत ही ब्राइट लाइट की, एक रोशनी की कल्पना करो, मन को थोड़ा ऊपर उठाओ ताकि आपका आलस्य जो है वो चला जाए। उस समय एक दो लंबे श्वास भर सकते हैं, फिर उसने ध्यान में दोबारा लग जाओ। तो 5-5 मिनट करके बढ़ाना होगा। और एक ब्लॉग पर हमने एक पोस्ट में लिखा था कि 7-8 हजार घंटे ध्यान लगाने के बाद आप ध्यान के पथ पर सिद्ध होते हैं। वास्तव में तो 15,000 घंटे चाहिए, 1509 अवस्थाएं हैं, हर अवस्था में लगभग 1500 घंटे का ध्यान चाहिए। और सुन के शुरू में लगता है अरे इतना घंटे कहाँ से निकालेंगे, क्या होगा, परंतु जैसे थोड़ी सी गाइडेंस है, अब आपको पता है क्या करना है, तो 7,000-8,000 घंटे में भी हो सकता है, पर इतना तो लगाना ही पड़ेगा। और पहले 1,000 घंटे के बाद आपको थोड़ा रिजल्ट जो है मिलने शुरू हो जाएंगे, एक मन में स्थिरता आ जाती है। एक किसी ने बुद्ध से पूछा कि आपने ध्यान में 6 वर्ष बुद्ध ने अपने जीवन के पूर्णतः एक ध्यान में स्थित होने में लगा दिए, कि आपने क्या पाया, इतना ध्यान करके क्या पाया, राजपाट छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, क्या फायदा हुआ, वहां तो भी सुख से बैठे थे, क्या आवश्यकता थी। बोलते क्योंकि मैंने कुछ नहीं पाया इसलिए मैंने सब कुछ पाया ध्यान से, मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति ही ध्यान की यही थी कि मैंने कुछ नहीं पाया,
क्योंकि हम भौतिक जगत में जो जो भी करते हैं वो कुछ ना कुछ पाने के लिए करते हैं, और जहां हम पाने की बात करते हैं वहां खोना निश्चित है। जो चीज आप पा सकते हो, जो भी चीज जीवन में आप पा सकते हो उसको आप खो भी सकते हो। इसलिए पाना कुछ नहीं होता, हर चीज को एक अवस्था में पहुंचना, उस अवस्था में बैठना है, बनना है। ताकि ज्ञान जो है पाने की वस्तु नहीं है, ध्यान जो है पाने की वस्तु नहीं है, समाधि जो है पाने की वस्तु नहीं है, प्राप्ति की वस्तु नहीं है। हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्मबोध हो गया, मनुष्य स्वयं ईश्वर बन गया। यदि पाने का उसको संदर्भ में, पाने के संदर्भ में उसको सोचेंगे तो उसको खो भी सकते हैं, परंतु ये ऐसी चीज नहीं है जो खो दी जा रहा है। दूध में से घी पाया नहीं जाता, दूध का घी बनाया जाता है। तो ऐसी जो आप बन गए उसको नहीं खो सकते। तो यही जो ध्यान का है मूल है, दो रुकावटें हैं जिसको कि बोला गया है आलस्य और व्याकुलता, और चार स्तंभ हैं आसन, स्पष्टता, स्मृति और सतर्कता। इसके अतिरिक्त ध्यान में और कुछ नहीं है। लिखने को तो कुछ भी लिखते रहो, बताने को तो कुछ भी बताते रहो, परंतु यही जो है ध्यान का मूल है। आपको एक बहुत अच्छा भक्त बनना है तो भी आपको ध्यान के बारे में कुछ ना कुछ सीखना होगा। आपको जीवन में बहुत सफल होना है तो भी आपको ध्यान के बारे में कुछ ना कुछ सीखना होगा।